नमस्कार, मैं श्यामराव मोकाशी, राजाराम बापू पाटिल रिक्शा संगठना अध्यक्ष और सभी रिक्शा वाले को मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि जिसको जिसको परमिट नहीं ना और लाइसेंस मिला है वो आरटीओ में जाके तुरंत अपना परमिट निकालो कि अभी दूसरे का गाड़ी चलाना, दूसरे को 300 रुपये देना, 300 रुपये दूसरे के दे के वो जो बैंक का पकड़ेला गाड़ी है वो तुमको चलाने को देते हैं बिगर इंश्योरेंस का, बिगर पासिंग का। और परवाना धारक ने एक पाली ये चलाना ही पड़ता है और दूसरे को परमिट देने को नहीं आता। तो उससे अच्छा आप अभी एक तो देखो धंधे का कंडीशन ऐसा है, व्यवसाय की कंडीशन ऐसा है, तो दूसरे को सिप देने से अच्छा आप रिक्शा का परमिट जाके निकालो। अभी परमिट भी बंद होने वाला है और आप जितना जल्दी परमिट निकालने को आएगा उतना जल्दी रिक्शा का परमिट निकालो और अपना स्वयं रोजगार चालू करो। देखो सब जगह अभी ऑनलाइन से सब काम हो रहे, पेपरलेस सेवा हो गई है और आप तो अच्छा काम करने के लिए तो खुद का परमिट होएगा ना, आपको बैंक का हफ्ता भरने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। दिन का दूसरे को जो 300-300 रुपये शिप देता है वही आप घर में रख दीजिए, महीने में एक बार बैंक को भर दीजिए, तो इतना ही आप एक काम भी करेगा ना आपने तो रिक्शा वालों आपको फायदा ही हो जाएगा। आपको दूसरे का गाड़ी चलाने का है क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट तुमको सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए परमिट देता ही है ना, वो परमिट निकाल के ये करना है। अभी देखो परमिट बंद हो जाएगा ना तो महाराष्ट्र में कभी किसको भी परमिट मिलेगा नहीं, भैया जी को भी मिलेगा नहीं और मराठी को भी मिलेगा नहीं, काला पीला रिक्शा का परमिट ये आप ध्यान में रख दीजिए। और कोई ऐसा सोचता होगा कि मैं परमिट निकालूंगा और दूसरे को बेचूंगा और मेरे को 80,000 आएगा, 90,000 आएगा, कोई 10 पैसा भी कोई तुमको देने वाला नहीं और 10 पैसा भी मिलने वाला नहीं, ये भी आप दिमाग में रख दीजिए। खुद का गाड़ी, खुद का परमिट ये आप चलाना है। आप एक पाली को ड्राइवर रख सकते हैं जिसके पास लाइसेंस बिल्ला है और जो आपके पहचान का है तो उसके ही आप ड्राइवर रख सकते हैं। नहीं तो ड्राइवर ने कुछ भी फाइन आएगा, ये आएगा, कुछ भी गलती करेगा तो परवाना धारक को ही वो सब भरना है, ये भी सभी परवाना धारक ने ध्यान में रख दीजिए। अभी देखो तपासनी का मुहिम तो अच्छा जोर से होती है, दिन भर हवलदार लोग रास्ते पे रहते हैं। अभी आरटीओ वाले को भी हर आरटीओ वाले को दो चार गाड़ी मिली है, उनके भी दक्षता पत्र बाहर आएगी, पकड़ते रहेगी। और आपका पेपर भी अपडेट रख दीजिए और इतना ही आप कर दीजिए, आरटीओ में जाके परमिट निकालो, परमिट राज खत्म करना है, परमिट की कालाबाजारी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। आप बोलते हैं गाड़ी बढ़ती है, इतना गाड़ी बढ़ी है, गाड़ी कितना भी बढ़ने दो उसमें का 1,00,000 परमिट तो जगह पे सड़ जाएगा। अभी जो नौकरी वाला है जो बैंक का गाड़ी पकड़ के आता है वही तो परमिट कैंसिल होने वाला ही है, तो इसके लिए अपन खुद का परमिट निकालो और खुद गाड़ी चलाओ और दूसरे का जो भाड़े से गाड़ी बैंक ने पकड़ेला लेते हैं वो गाड़ी का परमिट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ये भी आप ध्यान में रख दीजिए। तो सभी जन आरटीओ में जाओ, जिसके जिसके पास लाइसेंस बिल्ला है, जिसके पास लाइसेंस बिल्ला नहीं उसने भी जाके अभी लाइसेंस बिल्ला निकाल सकते हैं और रिक्शा का परमिट निकाल सकते हैं। रिक्शा का परमिट निकालो और बिंदास मीटर से व्यवसाय कर दीजिए, गलती मत करो रिक्शा वालों। ये मूच वाला मौकाशी यूट्यूब का वीडियो आप देखते रहो और शेयर करते रहो, उसमें ही आपको माहिती मिलेगी। अभी तो आरटीओ का पेपरलेस सेवा, फेसलेस सेवा हो गई है, आपके खुद के अकाउंट से पैसा जाना मांगता है। आरटीओ में जो आपका मोबाइल नंबर है वो किसका गलत होएगा तो आप उधर जाके सही कर दीजिए। धन्यवाद। मूच वाले मौकाशी यूट्यूब देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।